107 News। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राम महोत्सव मना रही है। इसी के अंतर्गत इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नंदानगर के साईं मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और आगे के कार्यक्रमों की जानकारी दी। भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे देश में राम महोत्सव चल रहा है। 550 सालों बाद भगवान राम अपने महल में विराजित होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में से अपने क्षेत्र के मंदिरों की साफ सफाई और दिवाली जैसा महाउत्सव मनाने की तैयारी शुरू की है। विजयवर्गीय ने कहा कि हम आज से इंदौर के सभी मंदिरों की साफ सफाई, रंग रोगान और दीप सज्जा और विद्युत सज्जा का काम शुरू कर रहे हैं। इस काम को महापौर, पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े प्रकांड पंडितों ने मिलकर मुहूर्त निकाला है। मैं दिग्विजय सिंह को उनसे बड़ा पंडित नहीं मानता। विजयवर्गीय ने कांग्रेसी नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकारा है। कांग्रेस के वकीलों की टीम ने शपथ पत्र देकर राम के अस्तित्व को नकारा है। रामायण को काल्पनिक उपन्यास बताया है। हनुमान हुए ही नहीं ऐसा कहा है। अब जनता रूपी हनुमान जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था उन्हें सौटा लगाएंगी। वहीं इस मौके पर विधायक रमेश मेंदोला सहित भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महापंडित तो मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे महापंडितों ने, जो कर्मकांडी पंडित, उन्होंने मुहूर्त निकाला है और सोच समझ के निकाला होगा। उनसे ज्यादा विद्वान तो दिग्विजय सिंह जी को मैं नहीं पाया। कुछ कांग्रेस के नेता वो मंदिर नहीं जाने का विरोध कर रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं, मंदिर समारोह में नहीं जाएंगे। देखिए, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। कोर्ट में एफिडेविट दिया उनके मंदिर, उनके वकीलों की 25-25, 30-30, 40-40 लोगों की टीम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती थी और भगवान राम के अस्तित्व को नकार रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, रामचरितमानस उपन्यास है, हनुमान जी हुए ही नहीं। अब जनता रूपी हनुमान आने वाले समय में इन सब लोगों को जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था उनको सोठा लगाएगी। आप देख रहे हैं SNN 7 News। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237, 9300015005।